हमारे हो चुके हैं सारे यूज रेड्यूसर तक। एक हुक रहता है हमारा, कौन सा? कस्टम हुक, कि हम कस्टम हुक कैसे बना सकते हैं। रिएक्ट ओके, व्हाट इज अ हुक यूज स्टेट इफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में। जी आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है? जी ज्यादा बताइएगा, आवाज आ रही है? स्टेट इफेक्ट कॉन्टेक्स्ट रेफ रेड्यूसर कॉल बैक और मेमो, ये हम कर चुके हैं। कस्टम हुक्स क्या है? कस्टम हुक्स, इन हुक्स को यूज करते हुए आप एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं जो आपका काम मजीद आसान कर देता है, तो उसे कस्टम हुक कहा जाता है। लेट सपोज कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट को काफी जगह यूज कर रहे होंगे, ठीक है, अपनी ऐप में बहुत जगह आप यूज कर रहे होंगे, और इसको आप जहाँ जहाँ यूज कर रहे हैं लाइक फ्रंट एंड हुक्स यूज कॉन्टेक्स्ट में, आप देखें इसको ऑथ कॉन्टेक्स्ट से गेट कर रहे हैं। ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए आप दो चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक यूज कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट से और एक आप उस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट को, ठीक हो गया। कस्टम हुक बनाने का तरीका, हम क्या करते हैं जब आप क्रिएट कर रहे हैं, आप यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लें, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को एक्सपोर्ट करने की बजाय, जो आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट नहीं करें, इसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक हो गया। कॉन्स्ट यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट, अब आपका ये क्या बन गया, एक एरो फंक्शन बन गया, ठीक है। एरो फंक्शन का नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यूज से। तो यूज का मतलब, अब आप देखें जितने भी आपके हुक हैं वो सारे यूज वर्ड से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि अब हम इसको कोई एक हुक बनाने लगे हैं, कस्टम हुक। इसको यूज करने का तरीका, अब देखिए आप जहां जहां ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, आप ये चीज कर रहे हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को यूज करो, और कॉन्टेक्स्ट कौन सा यूज करो, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लें और इसको क्या कर दें, रिटर्न। रिटर्न करेंगे तो इसकी फंक्शनैलिटी किस में आ जाएगी, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट में, और इस यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज करके अब आप इन चीज़ों को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अभी आप ये यूज कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ओके जी, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट। एक चीज ये इंपोर्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, हमने इसको यहां से एक्सपोर्ट नहीं किया, अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते होंगे। अब देखेंगे आपके पास आ रहा है, अब आप जैसे आपने इसको इंपोर्ट किया, अब देखेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट की जगह इंपोर्ट क्या हो रहा है, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप स्किप करते हैं, आपने जैसे इसको स्किप किया, अब आपको यूज कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, एक तो आप यूज कॉन्टेक्स्ट को हर जगह यूज नहीं कर रहे होते हैं बार बार, और ना ही आप उस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं, इससे पता लग रहा होता है कि आपने कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज किया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये आपका कस्टम हुक है, सिंपल। अब इसको मजीद शॉर्ट किया जा सकता है, किस तरह इसको शॉर्ट करें मजीद, जी एरो फंक्शन है,
और एरो फंक्शन के अंदर सिर्फ एक लाइन का ही कोड है, इसको मजीद शॉर्ट कैसे कर सकते हैं जी? कोड को हम एक लाइन में ले आते हैं, एक लाइन में आ गया। अब रिटर्न खत्म कर देते हैं, ब्रैकेट्स भी खत्म कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका कोड शॉर्ट हो गया, क्योंकि एरो फंक्शन में जब आप एक चीज को ही एक लाइन का कोड कर रहे हो और उसको रिटर्न कर रहे हो, तो फिर क्या होता है, एक तो आप उसको एक लाइन में ले आते हैं और रिटर्न कीवर्ड को रिमूव कर देते हैं और साथ साथ कर्ली ब्रेसेस को भी। तो अब ये क्या कर रही है, ऑटोमेटिकली ही एक्सपोर्ट कर, सॉरी इसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लाइन का कोड और ये आपका कस्टम हुक बना हुआ है जी, क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का, एनीवन जी? ओके, इसको खत्म करते हैं। अच्छा, यूज कॉन्टेक्स्ट और इस auth context की मदद से आप इस पूरे context को use कर रहे हैं हर पेज में, ठीक है। लेट सपोज आप कोई 20-25 का ही आप कह लें कि जब आप डैशबोर्ड में काम कर रहे होते हैं, हर पेज में ही आप इसको मोस्टली इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, आप कह लें कि 100 files में आपने इस context को use करना है, तो क्या 100 files में जाके आप बार बार use context में auth context? एक तो तरीका ये है कि आप इस चीज को यूज करें, ठीक है, और ये ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है काम को मजीद आसान किया जाता है और कोड को शॉर्ट किया जाता है। तो बजाय इसके कि आप यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करें हर जगह और उस auth context को इंपोर्ट करें हर जगह, इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कस्टम हुक बना लेते हैं। कस्टम हुक क्या होता है, सिंपल एक फंक्शन ही होता है, लेकिन उस फंक्शन का नेम जो स्टार्ट होता है वो यूज से, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट हमने फंक्शन का नेम रख दिया, इक्वल टू पैरेंथेसिस इक्वल ग्रेटर देन साइन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को यूज करो, कॉन्टेक्स्ट कौन सा यूज करना है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये जो आप वहां पे हर पेज में कर रहे थे वही काम आपने इसी पेज में कर दिया, और अब आप क्या करें, आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते होंगे, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इसको मजीद ये करते हैं, ओके, एक लाइन में आ गया, ठीक हो गया जी। देखें, यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, इसकी जो भी फंक्शनैलिटी थी या इसका जो भी मकसद था या ये जो भी काम कर रहा था, अब ये स्टोर किस में हो चुका है, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट में, ठीक हो गया। अब ये वाला काम जो आप यहाँ पे कर रहे थे, ये दोनों काम अब आपके एक फाइल में स्टोर हो चुका है, एक वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन को यूज कर लेना है इस जगह में, देखें वो यूज कॉन्टेक्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट ही है, आप उसकी जगह ये यूज कर लें और ये फंक्शन है तो फंक्शन बन जाएगा, और इसको आप इंपोर्ट कर लें। अब ये इंपोर्ट होगा उसी फाइल से, लेकिन आपको ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ना ही यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कोर कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं उसमें ये यूज हो रहा है, तो काउंट कॉन्टेक्स्ट में भी आप सेम काम ही करेंगे, ठीक है, काउंट कॉन्टेक्स्ट में भी सेम काम हो रहा होगा। यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेड एरर कॉन्टेक्स्ट वॉज नॉट फाउंड, नैब बार में हम इसको यूज कर रहे हैं, नैब बार, अब यहाँ पे जी, बल्कि यहाँ पे ये चीज अब आप करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ से खत्म हो गया और ये आपका यूज कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ से खत्म हो गया, मीन के दो चीजों को आपने एक चीज में ही जमा कर दिया, मजमू कर दिया, और अब आपका ये काम इस तरह हो रहा होगा जी, क्लियर है क्या? और किस बात,
anybody. Okay, source, pages, dashboard. Routing हमने सेट की हुई है हर किसी की. इस जगह पे चेक करते हैं. अब यहाँ पे const is authenticated कहाँ से आपको मिल रहा है? Use auth contact से. CLO is authenticated. Is authenticated and defined. अच्छा हमने यहाँ पे is authenticated वर्ड यूज किया हुआ है तो हमें क्या करना है इसको is authenticated या फिर आप इसको सिंपल मजीद भी कर सकते हैं सिर्फ is auth रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म. यहाँ पर अब आप is auth बस करें. इस auth के अभी false है. अच्छा यूजर इसका मतलब लॉगिन नहीं है ऐसे क्या? यूजर लॉगिन नहीं है तो क्या लॉगिन पे नहीं हो रहा कुछ स्लैश auth स्लैश लॉगिन ये आपका लॉगिन पेज पे जा रहा है क्योंकि यूजर अभी तक लॉगिन नहीं है. ठीक है और जाहिर सी बात इसका यही बिहेवियर होना चाहिए. अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो लॉगिन पेज पे जाएगा. लेकिन अगर लॉगिन नहीं है तो कैसे डैशबोर्ड में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए. डैशबोर्ड में गए लेकिन ये डैशबोर्ड में भी जा रहा है हालांकि यूजर लॉगिन नहीं है. हमने इसको कंट्रोल करना है. हमने इसको कंट्रोल करना है. ओके अब यहाँ पर सबसे पहले नैव बार कंपोनेंट हेडर नैव बार में इस ऑथेंटिकेट हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपका सिर्फ इस auth आएगा. लॉगिन एंटर लॉगिन. सेट लॉग आउट और हैंडल लॉगिन में क्या हो जाए सेट लॉग इन और साथ ही आप पेलोड में एक यूजर भेज रहे होंगे और उस यूजर में आपके पास यूजर का फर्स्ट नेम में भी हो जी यूजर और फर्स्ट नेम. यूजर की एक ऑब्जेक्ट है फर्स्ट नेम तो जैसे हमने लॉगिन किया तो वो लॉगिन हो रहा है और लॉग आउट करने पे वो लॉग आउट हो रहा होगा. अच्छा अभी यहाँ पे देखिए जैसे लॉगिन किया इस auth क्या हो गया आपका ट्रू और जैसे लॉग आउट किया फॉल्स. अब यूजर जैसे ही लॉगिन हो रहे हैं लॉगिन होने पे एक ये लॉग आउट का बटन और साथ ही आपके पास
link. 2 forward slash dashboard. Last name btn inform. On click इस पे कुछ भी नहीं आएगा. लॉगआउट की जगह डैशबोर्ड पे आप देखें, डैशबोर्ड पे जा सकते हैं. बैक किया, लॉग आउट करने पे लॉग आउट और आपको डैशबोर्ड नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, ये तो ठीक है, ये फ्लो ठीक है. जैसे लॉग इन होगा आपका डैशबोर्ड बटन आ जाएगा और आप इस पर क्लिक करके डैशबोर्ड पे जा सकते होंगे. लेकिन जाहिर सी बात है, यूजर क्या कर सकता है, यूजर यहाँ से जाके डैशबोर्ड में जा सकता होगा. तो फिर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? बटन की हद तक तो ठीक है, बटन आपने ही दिखाना है और तब दिखाना है जब वो यूज़र लॉगिन हो जाएगा. लेकिन अगर यूज़र लॉगिन नहीं है और वो यूआरएल की मदद से डैशबोर्ड पे चला जाता है, इस तरह हम व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह शेयर कर देते हैं वेबसाइट्स का, आपने अपने डैशबोर्ड का लिंक शेयर कर दिया, मीन्स कि आपकी प्रोफाइल आपने लिंक शेयर कर दिया, यूज़र लॉगिन नहीं है वो फिर भी आपके डैशबोर्ड को देख सकता होगा. इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो इसको कहा जाता है प्राइवेट राउटिंग. ठीक है, अभी आप वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ राउट. ठीक है, हम खुद से एक कंपोनेंट बनाते हैं और ये खुद यूज़र की ही लॉजिक होती है कि वो उसको प्राइवेट राउट में कैसे कन्वर्ट करे. प्राइवेट राउट भी कहा जाता है, प्रोटेक्टेड राउट भी कहा जाता है. ओके, सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं सोर्स पेजेस डैशबोर्ड और ओके राउट्स. ओके, ये तो आपका पब्लिक डाटा है. ठीक हो गया जी, फ्रंट एंड आपका पब्लिक डाटा, यूजर लॉगिन हो ना हो उसको वो नजर आ रहा होता है. सर अदराज की एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लें, यूजर लॉगिन है या नहीं है उसको प्रोडक्ट्स नजर आ रही है. ठीक है, ओके इसको नहीं हमने छेड़ना, हमने छेड़ना है ऑथ को. यहाँ पे आपको इस ऑथ मिल रहा है, अगर तो यूजर लॉगिन है क्या उसे लॉगिन के पेजेस नजर आने चाहिए? जी बस भाई, अगर यूजर लॉगिन है क्या उसे लॉगिन पेज नजर आना चाहिए दोबारा? नहीं आना चाहिए ना. अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो उसे लॉगिन पेज नहीं नजर आना चाहिए, उसे डैशबोर्ड नजर आना चाहिए. और अगर यूजर लॉगिन है, लॉगिन नहीं है तो फिर उसे लॉगिन के पेजेस नजर आने चाहिए, ऑथ राउट्स नजर आने चाहिए, डैशबोर्ड नजर नहीं आना चाहिए. इस जगह पर हम कंडीशन लगाएंगे इज ऑथ नहीं है. ठीक है, इज ऑथ नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप इसको ऑथ के पेजेस दिखाएंगे. ठीक हो गया, अदरवाइज आप इसको लेके जाएंगे नेविगेट. नेविगेट आपको मिलता है रिएक्ट क्लाउड डॉम से, नेविगेट आप कर देंगे. अच्छा, नेविगेट सेम आपका है लिंक जैसा, इसमें आप इस चीज पर टू पास करेंगे और टू में आप बता देंगे डैशबोर्ड जी. अब देखिएगा, अभी यूजर इनिशियल लेवल पे इस ऑथ आपका क्या आ रहा है? फॉल्स. तो यूजर आपका ऑथ फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन पे जा सकता होगा. ठीक है, ये लॉगिन पे गया. लेकिन अगर हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट में जाके इनिशियल लेवल पे इस ऑथ जो है वो क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं कि यूजर. अब देखें जैसे पेज रिफ्रेश हुआ, अब वो कहां पर आ गया? होम पे, सॉरी डैशबोर्ड पे. ये डैशबोर्ड को हम चेंज कर देते हैं कि सामने डैशबोर्ड. अब दोबारा होम पे हैं, ये देखें इस ऑथ के आपका ट्रू है और यहाँ पे भी देखें लॉग आउट और डैशबोर्ड के बटन ही इनिशियली नजर आ रहे हैं. फॉरवर्ड स्लैश ऑथ फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन क्लिक करें तो ये आपको डैशबोर्ड होम पे लेके जा रहा है. अभी आपको लॉगिन पेज पे नहीं लेके जाएगा. ठीक है,
ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये काम कर रहा है प्रॉपर। राउट्स में दोबारा आते हैं। ओके, अब अगर यूजर इज ऑल, सेम चीज हम यहां पर करते हैं, इज ऑथ नहीं है, ठीक है, इज ऑथ नहीं है तो ऑथ दिखाओ, अदरवाइज क्या दिखाओ, डैशबोर्ड। सेव करें, फॉरवर्ड स्लैश डैशबोर्ड, ये क्या हुआ जी, अगर इज ऑथ नहीं है तो फिर क्या दिखाओ, ऑथ, अदरवाइज नेविगेट कर दो, और ये स्टैम्प डैशबोर्ड पर ही है तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा, DORD, ठीक है, डैशबोर्ड ही है, DORD नहीं, स्पेलिंग तो ये है डैशबोर्ड के, ये स्पेलिंग होती है डैशबोर्ड के, ये स्पेलिंग होते हैं। ओके, डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड में आ रहा है, ठीक है, ये डैशबोर्ड में आ रहा है, लेकिन डैशबोर्ड में हमने कोई कंपोनेंट ही नहीं दिखाया, तो यहां पर कॉपी डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, अब आपके पास डैशबोर्ड होम, पेज को रिफ्रेश करें, डैशबोर्ड होम, और लॉगिन करें, तो अब ये दोबारा से डैशबोर्ड पे आ रहा है, लेकिन होम इनिशियली लेवल पे यूजर क्या होता है, इज ऑथ क्या होता है, और सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें, अब देखें ये अभी भी डैशबोर्ड पर ही है, लेकिन अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, किधर किधर किधर, routes। अच्छा, तो दिखाने का मकसद ये था कि ये वाला कोड आपका काम नहीं करता है, ठीक है, ये वाला कोड काम नहीं करता है, अब हमने बनाना है कंपोनेंट प्राइवेट राउट, वो आप बना ले कंपोनेंट्स के पेज में, या फिर आप यहां पर पेजेस में ही बना सकते हैं, प्राइवेट राउट डॉट जेएस आरएफसी राउट्स, और इसको यहां पे भी इंपोर्ट कर लें, और कॉन्टेक्स्ट, अगर यूजर इफ इज ऑथ नहीं है, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर उसे कौन सा पेज नजर आना चाहिए, लॉगिन का, रिटर्न कर दें नेविगेट, नेविगेट कहां पर हो, फॉरवर्ड स्लैश ऑथ, फॉरवर्ड स्लैश लॉग इन, फॉरवर्ड स्लैश लॉग इन, अगर तो इस ऑथ है, यूजर लॉग इन है, तो फिर उसे क्या नजर आना चाहिए, डैशबोर्ड, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने एलिमेंट में यूज क्या करना है, प्राइवेट राउट, प्राइवेट राउट में आपने आप एक प्रॉप पास करना है, अच्छा आपका कंपोनेंट जो है कोई भी फंक्शन हो वो लोअर केस से स्टार्ट होता है अपर केस से, अपर केस से, ठीक है, तो वर्ड आपका यहां पर आएगा कंपोनेंट, और देखिए कंपोनेंट हमने स्टार्ट कहां से किया, सी अपर केस से, इक्वल इसमें आपने पास कर देना है डैशबोर्ड, प्राइवेट राउट,
एक प्रॉप पास कर रहे हैं, प्रॉप का नेम क्या है, कंपोनेंट, उसमें हमने पास क्या कर दिया, डैशबोर्ड कंप्लीट। ये कंप्लीट डैशबोर्ड जो भी है वो सारा का सारा हमने पास कर दिया। ये कंपोनेंट या ये डैशबोर्ड अब आपको कहाँ पे मिलेगा, प्राइवेट राउट में। इस प्राइवेट राउट में जाएं, ओके इसको सेव कर लें, प्राइवेट राउट में गए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रॉप्स, ठीक है, सी एल ओ प्रॉप्स का। डैशबोर्ड के राउट पे गए, डैशबोर्ड के राउट में जैसे ही गए, लेकिन वो दोबारा कहाँ पर आ गया, अब देखें ऑथ लॉगिन पे आ गया, ठीक है, लॉगिन का पेज, लेकिन देखें उसको प्रॉप्स मिल गया उस प्राइवेट राउट में, और उसमें क्या एक कंपोनेंट है, और कंपोनेंट कौन सा आ रहा है आपके पास, डैशबोर्ड आ रहा है। अब प्रॉप्स डॉट कंपोनेंट की जगह हमने क्या करना है, यहाँ पर ही डी स्ट्रक्चर कर लें, प्रॉप का नेम क्या था, कंपोनेंट, इस जगह में रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या करो, जो भी आप प्राइवेट राउट में कंपोनेंट को भेज रहे होंगे वो कंपोनेंट यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। सेव करें, ओके, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, तो प्रॉप्स भी चाहिए, ओके, दोबारा से अब डैशबोर्ड में जाएं, तो ये आपको दोबारा से लॉगिन पेज पर ही लेकर आएगा, लेकिन यूजर अगर ऑलरेडी लॉगिन है, यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, सेव करें, तो ऑथ लॉगिन जैसे ही होगा तो ये देखिए अब आपका डैशबोर्ड होम आ गया। अब आप दोबारा से डैशबोर्ड पे आए, डैशबोर्ड, तो ये आपका डैशबोर्ड होम ही रहेगा क्योंकि यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, लेकिन अगर आप ऑथ लॉगिन में जाना चाहें तो ये आपको तब भी डैशबोर्ड में लेकर आएगा, लेकिन अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर क्या होगा, ये अब आपका देखेगा ऑथ लॉगिन में चला जाएगा ऑटोमेटिक। अब अगर आप डैशबोर्ड में जाना भी चाहें तो तब भी आपको लॉगिन पेज पर ही लेकर आएगा। ये प्राइवेट राउटिंग है बस। हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट को भी कुछ नहीं किया, प्राइवेट राउट, प्राइवेट राउट, ये प्राइवेट राउट बनाया हमने, इसको बेशक आप एक लाइन में ले आए, इसको भी आप एक लाइन में ले आए। अगर इस ऑथ नहीं है, अगर यूजर लॉगिन नहीं है और कोई भी, ओके अब मैं आपको बताता हूँ, यूजर इस राउट्स में लॉगिन हो या ना हो आ सकता है, ठीक हो गया। राउट पाथ, यूजर जब भी इस पाथ में आएगा, ऑथ के किसी भी पेज में आएगा, अगर तो यूजर लॉगिन नहीं होगा तो फिर उसको क्या नजर आ जाएगा, वही ऑथ। अगर यूजर लॉगिन होगा या ऑथ होगा तो वह नेविगेट हम किस पे करवा रहे हैं, डैशबोर्ड में। आप यहाँ पे इसको होम पे भी करवा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है, क्लाइंट क्या चाहता है। अगर वह कहता है कि यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, सॉरी लॉगिन, हाँ जी ऑलरेडी लॉगिन है, और वो लॉगिन के पेज पे जाता है इस तरह डायरेक्टली, तो आप उसको होम पे दोबारा भेज दें, नहीं तो आप उसको उसकी प्रोफाइल पे भेज दें, नहीं तो आप उसको डैशबोर्ड में भेज दें, नहीं तो आप उसको किसी और स्पेसिफिक पेज में भेज दें, ये क्लाइंट बता देगा आपको, ठीक है। अदरवाइज बनना डैशबोर्ड होता है या होम पेज होता है, कोई एक चीज़ होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर यूज़र ऑथ में आ जाता है और यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है, यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, ट्रू है, अब देखेंगे आपको रूट पे ले जाएगा, डैशबोर्ड में नहीं होगा यहाँ, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं राउट्स में। ये तो हो गया ऑथ का, जो कि सिंपल है। डैशबोर्ड के लिए प्राइवेट राउट बनाया जाता है। प्राइवेट राउट एक्चुअल में आप किसी भी कंपोनेंट के लिए बना सकते हैं, जिस जिस पेज को आप प्राइवेट राउट में रखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप प्राइवेट राउट यहाँ के लिए भी यूज कर लें, फ्रंट एंड के लिए, यहाँ पे आप फ्रंट एंड कर दें, अब क्या होगा, यूजर अगर
लॉगिन है तो होम पेज, अगर यूजर लॉगिन नहीं है फॉल्स, तो अब ये दोबारा से लॉगिन के पेज पे चला जाएगा। आपने फ्रंट एंड को भी आपने उसको प्राइवेट रोड में रख दिया है, आपने उसको भी प्रोटेक्टेड रोड में रख दिया है, आपने उसको सिक्योर कर दिया है कि यूजर तब ही फ्रंट एंड के पेजेस को भी देख सकता है जब वो लॉगिन होगा। जी ये क्लियर है? ओके, फ्रंट एंड, तो आपका फ्रंट एंड अब वैसे भी नजर आना चाहिए। देखिए आ गया। ओके, लॉगिन, अब ये डैशबोर्ड में जा सकता होगा, लॉग आउट करें, अब ये डैशबोर्ड में नहीं जा सकता होगा। आप क्या करें, आप नैव बार को, नैव बार में जो डैशबोर्ड का बटन है, ये डैशबोर्ड का बटन, आप इसको वैसे ही बाहर लें कि ये हर पेज में ही आपको नजर आए, लॉगिन हो या ना हो डैशबोर्ड आपका नजर आएगा। ठीक है, अगर यूजर डैशबोर्ड में जाना चाहे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये आपका लॉगिन के पेज पे जाएगा। और अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एंड नहीं हुआ, ये बैक नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? अब देखें, जैसे ही वो बैक जाएगा डैशबोर्ड के पेज पे, डैशबोर्ड के पेज पे क्योंकि जो लॉगिन नहीं है वो ऑटोमेटिक दोबारा से लॉगिन के पेज पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इस प्राइवेट राउट में const history equal to use history use इसमें क्या होता था, use location, लोकेशन में आपको हिस्ट्री मिल जाती है, लोकेशन सीएल लोकेशन, डैशबोर्ड, तो ये आपको डैशबोर्ड में लोकेशन मिल रही है। इसका कोड है ठीक है, स्टेट फ्रॉम हिस्ट्री डॉट लोकेशन, हिस्ट्री डॉट लोकेशन, इसमें लोकेशन है आपके पास, हिस्ट्री डॉट लोकेशन, फॉर्म हेल्पर्स, हेल्पर्स में क्या है, हिस्ट्री फॉर्म हेल्पर्स, स्टेट from history dot location, path private, तो वैसे यही चीज कुछ, लेकिन इसमें हिस्ट्री में अब आपको लोकेशन मिलनी चाहिए, यूज हिस्ट्री, स्टेट फॉर्म
डैश की पाथ नेम सर्च स्टेट एक टेबल करता है अरे कुछ इस तरह का ही है जो मैं कोड अगर मिला था आपके साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह। यूजर अगर लॉगिन है तो फिर ये डैशबोर्ड में लेके जा रहे हैं, ये आपका दोबारा से लॉगिन के पेज में ले जा रहा है। तो राउट्स में प्राइवेट राउट, कंपोनेंट में आपने पास क्या किया, सिर्फ डैशबोर्ड का नेम, आपने पैरेंथेसिस वगैरह कुछ पास नहीं की, ठीक है। प्राइवेट राउट अगर तो यूजर लॉगिन नहीं है, ऑथ नहीं है, तो नेविगेट कहाँ पे कर दो, ऑथ लॉगिन में। अगर तो इज ऑथ है तो रिटर्न क्या कर दो, कंपोनेंट। अच्छा वहाँ पे कंपोनेंट में आपके पास नाम क्या आ रहा है, डैशबोर्ड। तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट आपका क्या बन रहा होगा, डैशबोर्ड। तो ये आपका यहाँ पर एक्चुअल में कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है। कंपोनेंट ये आपका लेफ्ट एंगल ब्रैकेट राइट एंगल और ये फॉरवर्ड स्लैश से कंपोनेंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी नेम होगा कंपोनेंट में वो यहाँ पर आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पर इसको डैशबोर्ड इस तरह पास करेंगे तो ये आपको ऐसे देखा, तो ये दिखाना था क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स फिर इस तरह गलती कर देते हैं, वो एज अ कंपोनेंट ही पास करते हैं। अब एक्चुअल में हो क्या रहा था, आपके पास डैशबोर्ड इस तरह आया, आप क्या कर रहे हैं प्राइवेट राउट में ये चीज बन रही है। तो ये देखिए आपको वैसे एरर मिल रहा है, ये इस वजह से आपका काम करेगा जी। और किस सवाल, एनीवन, ये आपकी रिएक्ट कंप्लीट हो गई है प्राइवेट राउट भी। अब इंशाल्लाह कल से हम ये कोशिश करेंगे, कल से हम अपने एक टू डू ऐप बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट हो। अभी सिर्फ हमने रिएक्ट में किया है, रिएक्ट में हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज के साथ टू डू ऐप बनाएंगे, स्क्रैच से बिल्कुल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, और शुरू से दोबारा से बूटस्ट्रैप को भी यूज़ करेंगे सारी चीज़ें। जब ये कंप्लीट होगा फिर उसके बाद हम फायरबेस पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये आपका एक दो लेक्चर में टू डू ऐप कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब फायरबेस आएगी उसी कोड को हम क्या करेंगे, जो आपने सारा कोड किया होगा, अभी डाटा स्टोर हो रहा होगा लोकल स्टोरेज में, उसके बाद क्या होगा, उसी कोड को हम रेप्लिकेट करके हम उसको फायरबेस में कॉन्फ़िगर कर देंगे। सिर्फ डाटा स्टोर ही करवाना है ना एक्चुअल में, तो वही डाटा फिर आपका डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। कोई सवाल करें किसी का, एनीवन, वो फायरबेस के बाद, फायरबेस के बाद नॉट जेएस मोंगोडीबी जी। अच्छा भाई का सवाल है कि हम लोडर किस तरह यूज़ करते हैं, तो स्क्रीन लोडर के लिए मैंने शायद आप लोगों को दिखाया था CSS स्क्रीन लोडर, CSS लोडर। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसमें आपको चीज़ बनी बनाई और शॉर्ट वे में नज़र मिल जाती है। ये स्क्रीन लोडर सारे बहुत सारे हैं, कोई भी यूज करना हो, कोई भी देखना हो, एक है ये, ठीक है। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं। मोर स्पिनर्स में आपके पास मोर स्पिनर आ जाएंगे। तो बहरहाल लेट्स सपोज अगर आप ये यूज़ करना चाहती हैं, इसको क्लिक करें, आपके पास देखें कोड कौन कौन सा आ गया, HTML और CSS। CSS की फाइल कोड को कॉपी करें और SCSS में जाके
एक फाइल बना लें, स्क्रीन लोडर डॉट एस सी एस एस, सारा कोड आपने वहां पे पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड इसमें ये है लोडर का, हमें बैकग्राउंड चाहिए, लेट्स सपोज आप इसको कह दें तो डार्क बैकग्राउंड आपके पास आ जाएगा। और एप डॉट एस सी एस एस में जाके आप इस स्क्रीन लोडर को भी इंपोर्ट कर लें। अब एक कंपोनेंट बनाएं स्क्रीन लोडर के नाम से डॉट जे एस आर एफ सी स्क्रीन लोडर, और रिटर्न कर दें ये वाला कोड। क्लासेस को क्या मिल रही है लोडर, ये क्लास ये गेट कर लेगा इस जगह से। अब क्या करना है, आपने कभी भी कोई और क्लास नहीं बनानी लोडर के नाम से। कंपोनेंट बन गया आपका स्क्रीन लोडर के नाम से। अब ऑथ कॉन्टेक्स्ट में सॉर्ट्स पेजेस सॉरी एप डॉट जेएस, इस राउट्स की जगह अगर आप यूज करें स्क्रीन लोडर, स्क्रीन लोडर फ्रॉम कंपोनेंट्स फ्रॉम स्क्रीन, सेव करें अपनी ऐप में है आपके पास। ओके, अब स्क्रीन लोडर इसको एक नेम में लेकर और क्लास नेम पास कर दें SCSS स्क्रीन लोडर। अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो भी था बैकग्राउंड, आई थिंक 00 था, वाइट था, इसको ये लगाते हैं। लोडर कंटेनर हाइट 100 VH, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर, तो इस तरह सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आ गया, जीरो जीरो नहीं था, ऐसे ही था। ओके, हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है हैशटैग 00। हो गया, जैसे ही ये आपका हो जाएगा कंप्लीट, हम एक मतलब कोड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये डेटाबेस के साथ यूज़ हो रहा होता है, तो इस वजह से हमने अभी यूज़ नहीं किया। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके बाद ही आपके राउट्स आ जाएंगे, ये चीज़ होती है। अब लेट्स सपोज अगर आपने कोई और लोडर को यूज़ करना है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, इस पर गए कॉपी स्क्रीन लोडर में आके जितना भी कोड आपने इसका किया हुआ है आप इसको पेस्ट कर दें, ऑटोमेटिकली आपका वो वाला आ जाएगा।